बहाने बनाना, इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ बहाने ही बनाते रहते हैं। अब बहाने बनाने का मतलब क्या है? कुछ लोग जो अपना उद्योग शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब मैं करूँगा, जब मैं ये चीज़ सीख लूँगा तब मैं इसे शुरू करूँगा, जब मेरे पास इतना पैसा आएगा तब मैं ये काम शुरू करूँगा, और वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। देखिए, बहाने सब बना सकते हैं, लेकिन उस बहानों से ऊपर उठकर अगर आपने दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, मेरे में भी कुछ कमियां थी, मैं लेकिन उन कमियों को भी सुधारता जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अभी भी बहुत सारे बहाने बनाते हैं। अरे मुझसे तो सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता, अरे मैं सारे दिन इतना बिजी रहता हूं ना यार, तो पूछ ही मत, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है मेरे पास। क्या बताऊं यार, आज तो बस सोने का मन है, आज छुट्टी मिली, आज तो बस सारे दिन सोना है मुझे। ये सब बहाने हैं आपके पास। अगर आपको कामयाब होना है, अपने आप को कामयाब करना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो उठो, इन सब बहानों को पीछे छोड़ दो, इनसे कुछ नहीं होने वाला जिंदगी के अंदर। लेकिन कुछ लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगेगी सुन के भी, वो इसके लिए भी एक बहाना बनाएंगे। यार ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, सारे कामयाब थोड़ी होते हैं। बस यही एक चीज अगर आपने सुधार नहीं अपने अंदर, बहुत बहुत पहले की बात है, मैंने एक नेटवर्किंग कंपनी से जुड़ा था, लगभग ये बात हो गई 10 साल पहले। तो उन्होंने हमें एक ऑडियो कैसेट दी थी सुनने के लिए, तो उस ऑडियो कैसेट की जो एक बात है, मैं उसे रोज़ सुनता था एक्चुअली, में जो उसकी एक बात थी ना, बहुत ज़्यादा मेरे दिल को छू गई, और वो बहुत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा इसको। लोग काम ना करने के 100 बहाने बनाते हैं। जी हाँ, लोग काम ना करने के 100 बहाने बनाते हैं। देखिए, वो बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी थी उस समय, और इतनी अच्छी लगी कि उस पूरी कैसेट में से सिर्फ वही एक बात है जो मेरे आज तक ध्यान में है, कि लोग काम ना करने के लिए 100 बहाने बनाएंगे। अगर आप किसी अपने फ्रेंड को या दोस्त को कहेंगे कि चलो यार आज कुछ पढ़ते हैं, आज कुछ नया चीज़ करते हैं, आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं, उसका आगे से जवाब क्या होगा? नहीं यार, अभी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको साथ ले जाना है, रात को 11 बज गए काम करते करते, आज नहीं कर पाऊंगा मैं। सुना होगा अपने बहाने, है ना? देखिए, बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। सोचिए मत, कुछ करना है सोचिए मत, कर डालिए, बस करने के बाद सोचिए कि हाँ अब क्या करूं मैं। एक बार आपने शुरुआत कर दी ना, तो बस वो शुरुआत थोड़ी 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 करके बहुत बड़ा आपके लिए वो सपना साकार कर सकती है आपका, वो बहुत बड़ा काम। लेकिन आपको शुरुआत छोटी चीजों से करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं लेट सोता हूं। तो जल्दी सोइए, किसने कहा है आपको लेट सोने के लिए? इंग्लिश में कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक यू अ हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब हेल्दी बनेंगे वो तो सबको पता है, सुबह उठने के बाद सूर्य उदय से पहले जो आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, एक शांत समय होता है आपके दिमाग के लिए, जिसमें आप अपने लिए जो मर्जी कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, बहुत कुछ है।
अब कहेंगे लोग वेल्दी कैसे बन जाते हैं सुबह उठने से। मान लीजिए आप हर रोज 8 बजे उठते हैं, अगर आपने 5 बजे शुरू उठ कर दिया तो आपके पास जो 3 घंटे हैं उन 3 घंटों में कुछ आप ऐसी चीज करें जिससे आपके आय का क्षेत्र बढ़ जाए। सही है, लोग इसी तरह कामयाब होते हैं। उस सुबह दिन में अपनी जॉब करते हैं लेकिन सुबह या इस समय ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी जिंदगी सुधर जाए। वॉइस तो एक्चुअली बनना ही है, जब इतनी सारी आप सुबह काम करेंगे, इतनी किताबें पढ़ेंगे तो वॉइस आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक यू अ हेल्दी वेल्दी एंड अ वॉइस। हमारे बुजुर्ग भी यही करते थे और सुबह जल्दी उठते थे, 4 बजे उठते थे और उस शाम को 7-8 बजे तक सो भी जाते थे, तभी वो इतने हेल्दी रहते थे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि बहाने बनाना छोड़ दीजिए आप, क्योंकि बहाने सब बनाते हैं लेकिन कामयाब वही होते हैं जो इन बहानों से ऊपर उठ जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी उनमें से एक हैं जो अभी भी कोई काम करने के लिए कोई बहाना बना रहे हैं तो सावधान, आपकी जिंदगी का चक्कर रुकने वाला है, आप कभी कामयाब नहीं होंगे उस चीज के अंदर। आगे बढ़िए, उस बहाने को पीछे छोड़िए, उस बहाने को बहा दीजिए। जी हाँ, उस पर पानी डालिए, उस पर बहा दीजिए और खड़े हो जाइए, उठिए, उस लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए जिसे आप पे जीतना है, वहां पे पहुंचना है, उसके लिए कुछ करना है। दृढ़ निश्चय आपके अंदर होना चाहिए। मेरे पास समय नहीं है तो निकालिए, मेरे पास पैसे नहीं है तो प्लान बनाइए, पैसे बचाइए फिर काम शुरू कीजिए। अगर आप सारी जिंदगी यही बहाने बना दे रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, वो कभी होंगे भी नहीं। एक प्लान बनाइए कि इस महीने से मैं इतनी आमदनी को बचाऊंगा, 1 साल 2 साल के अंदर आपके पास उतनी रकम हो जाएगी जिससे आप अपने मनपसंद का काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये बहाने बनाते रहेंगे कि मैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। इन सब चीजों से ऊपर उठिए, प्लान बनाइए। यार मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूं, मेरे बच्चे हैं ना, मेरे को उनके लिए करना पड़ता है। अरे भाई सबके होते हैं, क्या बिल गेट्स के बच्चे नहीं थे, स्टीव जॉब्स के बच्चे नहीं थे, वो कैसे कामयाब हो गए? ये सब बहाने हैं। यार मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, फिर से एक बहाना, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। अरे सुनिए इससे एक और उल्टा बहाना, अरे मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये छोटा काम नहीं करूँगा। कहने का तात्पर्य है कि लोग ना मतलब कुछ भी बोलेंगे आपके लिए। एक छोटी सी कहानी है कि एक इंसान बहुत ही कामयाब इंसान था, लेकिन वो शुरू में ऐसा नहीं था। वो लोगों के घर जाता था, अपना सामान बेचता था। अरे लोग उसे पता क्या कहते थे, अरे तुम मुझे हमें सपने दिखा रहे हो कि तुम ये बन जाओगे, तुम्हारे पास तो खुद अपना गाड़ी तक नहीं, तुम तो खुद स्कूटर पे आते हो और काम बेचते हो। उसने अपने दिल पे नहीं नहीं कोई बहाना बनाया, वो अपने निरंतर अपना काम करता चला गया। 1-2 साल बाद वही इंसान किसी और के घर में जाता है, अब उसके पास गाड़ी है, अब वही सामान बेचता है और वही प्लान दिखाता है कि आप इस तरह से आप कामयाब हो जाएंगे। तो लोग उसे पता क्या कहते हैं, भाई साहब आपके पास तो गाड़ी है, आप सामान इधर उधर जहां मर्जी जा सकते हैं। सोचिए लोग मतलब एक्चुअली आपको कभी जीने ही नहीं देंगे, ढोल की तरह दोनों तरह से बजते हैं। गाड़ी नहीं थी तब भी आपको टोकेंगे, बहाना, गाड़ी है तब भी एक टोकेंगे, बहाना। मतलब कि काम ना करने के लिए लोग 100 तरह के बहाने बनाएंगे। और मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनमें से एक ना बने। उठिए, कुछ करना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। जल्दी उठिए, नींद का त्याग करिए।
देखिए, अगर आपने इसी तरीके से मेहनत करी तो अगले 5 साल के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन उन चीज़ों के लिए आपको उन 5 सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हाँ, बहाना मत बनाना, ध्यान रखिए, बहाना मत बनाना, क्योंकि लोग काम ना करने के लिए 100 तरह